हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जिसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र समेत लगभग 59 से ज़्यादा चाइनीज़ ऐप पर सरकार ने बैन लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि ये देश की सुरक्षा और एकता के लिए जो है खतरा है। क्या है कारण कि सरकार ने ऐसा कहा है और क्यों इन एप्लीकेशंस को बंद किया गया है, बैन किया गया है, वो सारी जानकारी वीडियो में आगे आपको विस्तार में मिलेगी। वीडियो देखते रहिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सरकार ने कहा, पिछले कुछ दिनों से 130 करोड़ भारतीयों की प्राइवेसी और डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ जाहिर की जा रही हैं। शिकायतों में कहा गया है कि एंड्रॉयड और iOS पर मौजूद कुछ चाइनीज़ ऐप्स के जरिए डेटा का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। सरकार ने चीन के 59 ऐप्स पर सोमवार को बैन लगा दिया। इस लिस्ट में टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, हेलो और शेयर चैट जैसे ऐप शामिल हैं। सरकार ने कहा कि इन चाइनीज़ ऐप्स के सर्वर भारत से बाहर मौजूद हैं। इनके जरिए यूज़र्स का जो डेटा है वो चोरी किया जाता है और इनसे देश की सुरक्षा और एकता को भी खतरा है। इसी वजह से इन्हें बैन करने का जो है फैसला लिया गया है। सरकार ने चीनी ऐप्स पर बैन की 7 वजहें बताई, 7 बार संप्रभुता और एकता का जिक्र भी किया। सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत इन चीनी ऐप्स को बैन किया है। सरकार के मुताबिक ये ऐप्स जित गतिविधियों में शामिल हैं उनसे भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता को पूरी तरह से खतरा है। पिछले कुछ दिनों से 130 करोड़ भारतीयों की प्राइवेसी और डेटा को लेकर सुरक्षा की चिंताएं जाहिर की जा रही थी। इनमें कहा गया था कि ऐसे ऐप्स संप्रभुता और एकता को खतरा है। सूचना मंत्रालय को मिल रही शिकायतों में कहा गया कि एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ मोबाइल ऐप्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ऐप्स गुपचुप और अवैध तरीके से यूज़र का जो डेटा है उसे चोरी कर भारत के बाहर मौजूद सर्वर पर भेज रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जो है ये डिसीजन लिया गया है। इसके अलावा भारत में सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए इस तरह से जमा किए गए डेटा का दुश्मनों के पास पहुंच जाना चिंता की बात है। भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा है, यह बेहद गहरी चिंता का विषय है और इसमें तुरंत कदम उठाना ज़रूरी है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर गृह मंत्रालय को भी इस तरह के खतरनाक ऐप्स को तुरंत बैन करने के लिए रिकमेंडेशन भेजी गई थी। कुछ ऐप्स के जरिए उनके गलत इस्तेमाल को लेकर लोगों ने भी चिंताएं जाहिर की थी। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स की टीम ने भी डेटा चोरी और प्राइवेसी के खतरे को शिकायत जो है वो जारी की थी। इसके अलावा संसद के अंदर और बाहर भी इस तरह के ऐप्स को लेकर चिंताएँ जाहिर की गई थी। भारत की जनता भी लगातार इन ऐप्स के खिलाफ एक्शन की मांग कर रही थी क्योंकि इससे देश की संप्रभुता और नागरिकों का प्राइवेसी जो है वो खतरे में पड़ जा रहा था। इन सब शिकायतों और भरोसेमंद जानकारी के आधार पर हमें पता चलता है कि ये ऐप्स देश की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा है। सरकार ने फैसला लिया है कि इन ऐप्स को मोबाइल और इंटरनेट से चलने वाली डिवाइस पर इस्तेमाल पर बैन लगा दिया जाएगा। इंडियन साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए यह फैसला लिया गया है जो कि बेहद सराहनीय है। किन किन ऐप्स पर बैन लगाया जाएगा देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा भारत में यूज़ किए जाने वाला चाइनीज़ ऐप टिकटॉक, उसके बाद शेयर इट, कवाई, यूसी ब्राउज़र, बाइडू मैप, सेन, इसके अलावा क्लैश ऑफ किंग्स ये गेम है, ड्यू बैटरी सेवर ये एक बैटरी सेवर ऐप है, इसके अलावा हेलो, लाइकी, यू के मेकअप, MI कम्यूनिटी, CM ब्राउज़र, वायरस क्लीनर और आपूस ब्राउज़र, रोमे, क्लब फैक्ट्री, न्यूज़ डॉग, ब्यूटी प्लस, वी चैट, यूजी न्यूज़, क्यूक्यू मेल, वेइबो, जेंडर, इसके अलावा क्यूक्यू म्यूज़िक, क्यूक्यू न्यूज़ फीड, वीगो लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर और MI वीडियो कॉल, उसके बाद वी सिंक, ES फाइल एक्सप्लोरर, वीवा वीडियो, Mate 2, वीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, DU रिकॉर्डर, वॉल्ट हाइड, उसके बाद कैसे क्लीनर, DU ऐप स्टूडियो, DU क्लीनर, DU ब्राउज़र, हैगो प्ले विद न्यू फ्रेंड्स, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, वंडर कैमरा, फोटो वंडर, क्यूक्यू प्लेयर, वी मीट सेल्फी, स्वीट सेल्फी, बाइडू ट्रांसलेट, वी मैट, इसके अलावा क्यूक्यू इंटरनेशनल,
QQ सिक्योरिटी सेंटर, QQ लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस वीडियो, मोबाइल लेजेंड्स, ट्यू प्राइवेसी, ये सारे जो ऐप्स हैं इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है केंद्र सरकार ने। और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सारी जानकारी मैंने आपको दे दी कि क्यों और कितने सारे जो ऐप हैं चाइनीज़ जिसको बैन किया जा चुका है और भारत की संप्रभुता के लिए एक बहुत ही अच्छा पहल थी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।